नमस्कार दोस्तों, मोशन एवी लाइफ में आपका फिर से स्वागत है। यार कई बंदे मुझे कई दिन से कमेंट कर रहे हैं और मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी, तो कॉलेजेस के ऊपर आज की वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि कई बंदे मुझे कॉलेजेस के ऊपर कमेंट करते हैं कि भैया ये कॉलेज कैसा है। अभी रुद्राक्ष के लिए कई कमेंट आए थे और भी कॉलेजेस के नाम बता रहे थे, उन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस के नाम बताए थे कि ये कॉलेज वाले हमें बुला रहे हैं, हमें जॉब भी देंगे वो लोग, और 3-4 लाख रुपए वो मांग रहे हैं, और हमारे को सेल के लिए भी भेजेंगे और कोर्सेज भी कराएंगे। तो यही जाना सही रहेगा या गलत रहेगा, आप अपने हिसाब से बताओ। और ये कॉलेज जेन्युइन होते हैं या फेक होते हैं? तो मैंने इससे पहले भी कई वीडियो कॉलेजेस के ऊपर बनाई होंगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। जितने भी कॉलेजेस होते हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, जितने भी होते हैं, उनके पहली बात तो जो फॉर्म होते हैं आपको रोड साइड मिलेंगे, रोड साइड जो भी है, वरना अपनी कोई वेबसाइट बना देते हैं तो ऑनलाइन निकालते हैं वो लोग एडवर्टाइजमेंट, तो वहाँ पे वो लोग सोचते हैं कि लड़कों को हम लोग ले लेंगे, उसके बाद अपना जो भी है कोर्सेस करा के शिप पे भेज देते हैं। उनका गारंटी यही होता है कि वो एक बार के लिए आपको भेज देंगे शिप पे, 6 महीने 9 महीने 8 महीने के लिए वो भेज देंगे। लेकिन जो CDC होती है वो आपको पनामा मिलेगी, बेलीज मिलेगी और हॉन्डुरस मिलेगी, जो भी आपका जो भी नॉर्मल CDCs होती है वो सब देंगे वो लोग। इंडियन CDC आपको वहाँ पे नहीं मिलती है, आपको यही सब CDC मिलेंगे जो भी मैंने बताई है। इस CDC ये रहता है कि बेनिफिट ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं आपको, 1-2 सेल आप जाओगे, क्योंकि आपको इंडियन CDC पे जो सेल काउंट होता है उसके लिए आप आगे पेपर भी दे सकते हो, लेकिन ये सब CDC का आपको अगर सेल करोगे तो आप इन्हीं का COC निकाल सकते हो। और लेकिन मार्केट में इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, जो भी आप COC सब के निकालोगे इसकी मार्केट में कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन आप जब ये इंडियन CDC से जाते हो, उसके बाद आप इंडियन COC या UK COC निकालते हो जेन्युइन सेल करके, उसके बाद ये सब की वैल्यू होती है। इन सब COC की ज़्यादा वैल्यू नहीं है और मार्केट में कंपनियां भी नहीं लेती, बहुत मुश्किल से मिलती है जॉब ये सब CDCs पे। वो सिर्फ आपको ये करते हैं कि आपको जॉब दिला देते हैं एक बार के लिए, उसके बाद दूसरी बार की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको जॉब दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे, कोई गारंटी नहीं लेते। उन लोगों का सिर्फ ये होता है कि बंदों को पकड़ना, कॉलेज में एडमिशन करवाना, उनको पढ़ाना, वहाँ पे STCW कोर्सेज कराना, और वहाँ पे पढ़ाई वगैरह भी नहीं होती। जितने भी कॉलेजेस आपको घर पे कॉल करते हैं कि भैया आप हमारे कॉलेज में आ जाइए, ये कॉलेज का नाम है, तो मैंने हमेशा सबको बोला, जो भी बंदा देखता है DG Shipping की वेबसाइट पर जाओ, DG Shipping की वेबसाइट पर आपको मिलेंगे जितने भी जेन्युइन कॉलेजेस होंगे, जो भी DNS करा रहे हैं, जो भी अदर कोर्सेज होते हैं, वो सब सारे कोर्सेज वहाँ पे मिलेंगे। और आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कॉलेजेस के नाम डाल के, वहाँ पे आपको सामने लिखा रहता है कि DG अप्रूव्ड है या नहीं है, तो आप DG अप्रूव्ड कॉलेज से करो। जो भी बंदा कोर्सेज कर रहा है, ये जितने भी कॉलेजेस होते हैं वो सब पैसे लेते हैं आपसे, अच्छे खासे पैसे लेंगे, और ये सब CDCs की वैल्यू नहीं होती। 15-20 हज़ार की CDC बनती है, लेकिन वो आपसे 1-1.5 लाख रुपये CDC के चार्ज कर देते हैं, तो काफ़ी मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से जो भी बंदा ये सब कॉलेज से कॉल आए तो बोला करो हमको नहीं आना, आप डायरेक्ट अगर आपको मर्चेंट नेवी लाइन में आना है तो आप कोर्स करो जो भी है ये DNS वगैरह, लेकिन DG Shipping कॉलेज से करो, स्पॉन्सरशिप से करो अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है, वरना आप DG Shipping की कोई भी कॉलेज से कर सकते हो। इंडियन CDC वहाँ पे आपको मिल जाएगी, और जॉब के लिए आपको थोड़ा तो भटकना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में जॉब बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप सेट हो जाते हो उसके बाद जॉब वाइड रेंज में मिल जाएगी। एक बार अच्छी कंपनी आपको जहाँ मिल गई ना, उसके बाद आप अच्छा ग्रो अप करोगे। ये जो प्राइवेट कॉलेज है उससे बच के रहना, जो भी बंदा वीडियो देखता है, ये सब कॉलेज फेक है सब। सो आज के लिए बस इतना ही, छोटी सी वीडियो बनाई, बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, जो भी होगा कमेंट करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।